हार्ड कौर जी, आपसे जब हम लोग बात करते हैं कि आपके इतने सारे हिट्स हैं, लेकिन उन सभी हिट्स के लिए आपको आज तक कोई कीमत वापस नहीं मिली है। जी नहीं, सो तो ना मिलेगी। आई डोंट नो वो दिन कब आएगा। मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, बिकॉज जब मैं यूके से आई थी तो यूके में हमारा रजिस्ट्रेशन है पीआरएस के साथ। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। अच्छा, आप अपना फॉर्म फिल करो, बहुत छोटी सी अमाउंट होता है, आप देते हो और उसके बाद वो लाइफ टाइम वन टाइम फी है। ओके, तो ये नहीं कि मुझे हर साल भरना पड़ेगा, मतलब कोई रिन्यूअल नहीं है। दैट्स इट्स डन। गाना जब भी बजे, चाहे वो लिफ्ट में बजे या चाहे वो जिम में बजे, ऑटोमेटिकली वो पैसा कलेक्ट होता है और उनका कट लेके वो डायरेक्टली आप डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाता है। और इधर मतलब मुझे पता ही नहीं कि होता क्या, कहाँ कभी कुछ होगा कि नहीं। ऑल्सो अनदर थिंग, जब आप गाना बनाते हो मूवी के लिए, तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते हो, वहाँ ऑटोमेटिकली पहले ही लिखा होता है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपका कोई राइट नहीं होगा। जी नहीं, तो आप अपना चेक लो, आप घर जाओ एंड इसके बाद बाय बाय टाटा। तो सर, कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस चीज को, जब हमसे पहले ही हामी भरवा ली जा रही है कि आपको कुछ नया करना है, लेकिन इस नया करने के लिए बाद में कुछ नहीं मिलने वाला, जो है वो अभी है। देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से बताना चाहूंगा कि कॉपीराइट एक्ट हमारा 1957 में आया था। जी, उसमें एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आपने कोई भी चीज इन्वेंट की है, आपने बनाई है, आप उसके ऑथर हैं, तो आपकी उसको रॉयल्टी आप ही को मिलेगी, आप चाहे रजिस्टर्ड कराएं कि ना कराएं। जी, उसके बाद जब एक्ट अमेंड हुआ 94 में, तो सब लोगों की सहूलियत के लिए उन्होंने बोला कि आप अपने में से एक एसोसिएशन बना लो। जी, और वो एसोसिएशन बना के उसको एक्ट में रजिस्टर्ड करा लो एज ए कॉपीराइट सोसाइटी। उसका काम होगा कि वो सब लोगों को रजिस्टर्ड करेगी एक नॉमिनल अमाउंट लेके, और उन सबको रजिस्टर्ड करके वो लाइसेंस दिया करेगी हर ऑर्गेनाइजेशन को जो उसे बजाना चाहे, और वो उनसे पैसा कलेक्ट करके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट काट के, क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है वो सारी एसोसिएशंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उनकी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो काट के और वो सारा पैसा जो ओनर है उसके, जिनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 94 में दो एसोसिएशन पीपीएल और आईपीआरएस नाम की रजिस्टर्ड हो गई। जी, और उन लोगों ने काम शुरू कर दिया। एक और थी आईआरआरओ, तीन रजिस्टर्ड हुई उसमें 94 के एक्ट में, और उन्होंने सब कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जी, तो फिर सरकार ने देखा कि ये जो पीपीएल है और आईपीआरएस है, ये लोगों से कलेक्ट तो कर रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। तो उन्होंने 2012 में एक्ट को अमेंड किया। 12 में अमेंडमेंट आते हुए उन्होंने बोला कि आज तक जितनी भी सोसाइटी रजिस्टर्ड थी इसमें, उन सब लोगों को या तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इस एक्ट में, और नहीं तो वो सब खत्म हो जाएंगी। तो 2012 में पीपीएल और आईपीआरएस ने अप्लाई कर दिया रिन्यूअल के लिए, लेकिन इनका रिन्यूअल हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, फिर उसे विड्रॉ कर लिया एप्लीकेशन को, क्योंकि एक इंक्वायरी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर डाल दी थी कि भाई आपकी इंक्वायरी होगी पूरे जो भी आज तक आपने किया है। उसके अगेंस्ट ये हाईकोर्ट चले गए, बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कुछ नहीं, इंक्वायरी होगी आपके खिलाफ। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कुछ नहीं, आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी। तो आज की डेट में पीपीएल और आईपीएस नाम की जो दोनों संस्थाएं हैं, जो कि कभी 2012 से पहले कॉपीराइट सोसाइटी के नाम से जानी जाती थी, अब ये नहीं है ये संस्था। तो इनके पास अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मुझे ये नहीं पता था कि ये एक्चुअली बंद हो चुका है। एक साल पहले मैं रजिस्टर करने गई थी, उन्होंने एक साल पहले, क्योंकि मैं मानती नहीं थी कि एक्चुअली कहीं से पैसे आएंगे, मैं तो भरोसा ही नहीं करती हूँ। लेकिन मैं जब रजिस्टर करने गई, उन्होंने कहा सॉरी हम रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि हम पे केस चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप पैसा ले रहे हैं। 2012 के एक्ट आने के बाद से उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। अब 2012 के बाद एक और एसोसिएशन बनी है, उसका नाम है इसरा, इंडियन सिंगर राइट एसोसिएशन। तो ये कंपनीज एक्ट में नॉट फॉर प्रॉफिट में रजिस्टर्ड है, और उसके बाद इसको कॉपीराइट सोसाइटी का गवर्नमेंट ने जो हमारी उसने वो दे दिया है एक स्टेटस। जी, अब ये लोग 1000 रुपए लेके रजिस्टर्ड करते हैं। लेकिन आज के कानून में ये भी जरूरी कर दिया था कि आप अपनी वेबसाइट पे डालेंगे कि टैरिफ प्लान क्या है आपका, इसरा ने रॉयल्टी मिलेगी कितनी, मिलेगी किस काम से। तो इसरा ने अपनी वेबसाइट पे 21 तरह के टैरिफ शेड्यूल डाले हैं। ओके, क्लब में बजेगी तो ये पैसे लेंगे, जिम में बजेगी तो ये पैसे लेंगे, लिफ्ट में ये पैसे लेंगे, इंटरनेट पे ये पैसे लेंगे, साथ में इनको डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल भी ऐसे ही देना है। और ये एसोसिएशन इसलिए बनाई गई है आपकी सहूलियत के लिए कि आप कुछ भी करें उन्हें बता दें, उस चीज से मुनाफा कलाकारों को मिल सके अल्टीमेटली। बट मैं उस चीज को ट्रस्ट कैसे करूं? आईपीआरएस का जो बैक डेट कर सकते हैं, जो उन्होंने अब तो बंद कर दी कंपनी, लेकिन जो पैसे देने हैं उसका तो क्या नहीं मिल पाए। नहीं, उसके लिए क्या है, ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, ईडी ने उनके सारे एसेट सीज कर दिए हैं। कानून तो में भी जब वो पैसे वसूले जाएंगे तब रॉयल्टी मिलेगी बैक डेट। लेकिन मेरे को लगता है कि उससे सबक लेके जो नई संस्था बनी है
वो शायद ये ध्यान रखेगी, क्योंकि अब सरकार के पास उनकी इंक्वायरी करने की पावर है शुरू से। और अब मेरे को लगता है कि जो ये कलाकारों की दिक्कत थी और जो आपकी दिक्कत थी कि भाई यूके में जल्दी मिलता है यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो अब सॉल्व हो जाएगी और वो अब आपको जरूर मिलेगा। और मैंने देखा था उस वेबसाइट पे आज ही जाके, तो मैंने देखा आपका नाम नहीं है उसमें। अच्छा, आपको रजिस्टर करवाना चाहिए। इस शो के अलावा मुझे कभी कोई ये नॉलेज देने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने काफी लोगों को पूछा भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं इंडस्ट्री में, उनको भी क्लैरिटी नहीं है कि हो क्या रहा है रॉयल्टी के बारे में। बिल्कुल क्लैरिटी नहीं। आज पहली बार मुझे काफी चीजें क्लियर हो रही जो बाय लो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब पूछते भी हैं हम तो किसके पास जाए। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, दिस शो इज एक्चुअली क्लियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। जी, हमारी कोशिश बिल्कुल यही रहती है, एंड आई होप लोगों को भी बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है जैसे कि आपको यहाँ पर मिल पाई है। आपसे शेयर करना चाहेंगे दैट वी हैड बीन फॉर्चुनेट इनफ टू होस्ट मास्टर सरोज खान, उन्होंने कुछ कहा था, प्लीज। अभी क्या है, जितने भी कलाकार आ रहे हैं दे आर लर्निंग, दे अंडरस्टैंड कि अभी हमें पैसा बचाना चाहिए क्योंकि एंड बहुत खराब है। बिल्कुल ठीक बात है। इफ यू टॉक अबाउट भारत भूषण, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उस टाइम उनको समझ नहीं थी, अब तो पढ़े लिखे आ रहे हैं, उन्हें मालूम है। बिल्कुल ठीक, ये इन्वेस्टमेंट है जो अभी फायदा लेना चाहिए। आप कैसे देखती हैं जब कोई नए आर्टिस्ट आते हैं आपके सामने, गाना गाना शुरू किया है, उनके लिए डिफिकल्ट होता है इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना कि हमें स्टार्टिंग से ही कैमरे के आगे नहीं रहना, या हमारी आवाज़ सबके आगे पहले नहीं जा रही है, हमें दूसरों को भी साथ में मैनेज करना है, वो लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं इस फैक्ट को? पहले उनका एक्चुअली थॉट प्रोसेस ही अलग होता है। लोग सोचते हैं कि ये ग्लैम लाइफ है, वो भूल जाते हैं कि ये बिजनेस है। मजे वाला पार्ट उस पार्ट तक होता है जब तक आप गाना लिख रहे हो और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। जैसे ही वो हुआ मजा खत्म, उसके बाद एवरीथिंग इज बिजनेस, इट बिकम्स कॉर्पोरेट। सो मैं हमेशा उनको डेफिनेटली एडवाइस करती हूँ कि कुछ अपनी प्रॉपर्टी बना लो, या कुछ यू नो इन्वेस्टमेंट कर लो, या बिजनेस शुरू कर लो। तो ये एडवाइस मैं डेफिनेटली उनको देती हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही राइट माइंड से, जैसे रोजी ने बोला कि उस टाइम पे ये एजुकेशन नहीं थी, आपके प्रोग्राम के थ्रू आज कितने लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली मेरा हक बनता है, ये हमारा हक है, ये आप किसी की मिन्नतें नहीं कर रहे। अगर आपने कुछ क्रिएट किया है, यू आर द ओरिजिनेटर, आपका वो रॉयल्टी बनता ही बनता है। एंड अगर आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, यू नो ऑब्वियसली देयर इज सो मेनी वेन्यूज दैट यू कैन स्पीक टू, आई मीन जी वी कैन, यू कैन कॉल इनटू द प्रोग्राम। यस जी बिल्कुल, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। सो आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर, जो आजकल के आर्टिस्ट आ रहे हैं दे डेफिनेटली मोर क्लूड अप। पर जो लोग ग्लैम के लिए आते हैं वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते, फेमस होने के लिए और ग्लैमरस के लिए आप ये इंडस्ट्री में मत आओ। रियली एक्चुअली एंड ऑफ द डे ये बिजनेस ही है, ये बिजनेस है, जस्ट ये है कि जिस चीज को आप इंजॉय कर रहे हो उसी के साथ उसी चीज को लेकर आप आगे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो। आपने जैसे अभी हमसे जिक्र किया था कि इस गाने के साथ साथ भी यू हैव टू हैव अदर बिजनेस ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए आपको किसी भी चीज में अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। मैं आर्टिस्ट को भी मैनेज कर रही हूँ, विच मीन्स वो कोई भी शो करेंगे उसमें से कट आएगा। अगर मैं उनका म्यूजिक लिखती हूँ, प्रोड्यूस करती हूँ, उसमें भी ऑब्वियसली मेरे कॉपीराइट्स एंड रॉयल्टी है जी। मेरे जो खुद के गाने हैं उसमें भी रॉयल्टीज है। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मैं लोगों से गवाती हूँ, तो उसमें भी फुल कॉपीराइट रहेगा म्यूजिक डायरेक्टर का जी। सो मैं चार पांच चीजें कर रही हूँ। इवेंचुअली आपने मेरे को एक और सजेशन दिया कि आप रैप स्कूल भी शुरू करना। या यू कैन स्टार्ट इट, उसके लिए पूरा आइडिया हमारे शो आपको देगा जी। बिल्कुल, कॉपीराइट बिग बिजनेस आइडिया, ये भी कॉपीराइट हमें रखना पड़ेगा, दैट दिस आइडिया वाज जनरेटेड फ्रॉम द स्टूडियो।